अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। चले आज की रेसिपी की तरफ चलते हैं। आज मैं बना रहा हूँ अंडे आलू। उसके लिए मैंने ले लिए हैं 2 आलू, 1 टमाटर ग्राइंड कर लिए और 1 प्याज ये भी ग्राइंड कर ली। मसालों में पिसा धनिया, नमक, पिसी मिर्च, हल्दी और ज़ीरा। और 5 अंडे ले लिए, ये बॉयल हो रहे हैं। देगची में 1 कप तेल डाल दिया है, उसमें ज़ीरा डाल देता हूँ। चलो अब इसमें प्याज डाल देता हूँ। ये प्याज डाल दी, प्याज का कलर चेंज हो गया, देखें। अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर देता हूँ। टमाटर डाल दिए, चलो आज मैं इसमें मसाले ऐड कर देता हूँ, ये जो मैंने निकाल कर रखे हुए थे। और थोड़ा सा पानी डाल देता हूँ ताकि मसाले जले ना। ये देखते हैं, चलिए अब इसमें आलू ऐड कर देता हूँ। मैं 2 आलू काट के रखे हुए थे, ये आलू है। थोड़ा सा पानी डालता हूँ। चलें अब इसमें पानी ऐड कर देता हूँ। आलू अच्छी तरह भून लिए मैंने। चलें पानी डाल दिया मैंने, अब इन्हें ढक कर पकाता हूँ, आलू गल जाए।
आलू हल्की आग पे गल रहे हैं और अंडे बॉयल हो गए हैं, ये मैं निकाल लेता हूँ। चले अब इनको छील, चले अंडे छील लिए मैंने, अब एक फ्राई पैन ले लेता हूँ। चले इसमें मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया है, ये अंडे इसमें डाल के फ्राई कर लेता हूँ। चले अंडे फ्राई कर लेता हूँ अब। चले अंडे फ्राई हो गए हैं, ये देखें। अब मैं इसे सालन में डाल देता हूँ अंडों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें अब ढक देता हूँ 10-15 मिनट के लिए। चलें व्यूअर्स 10 मिनट हो गए हैं, अब मैं हरी मिर्चें डाल देता हूँ, मैं 10 मिनट और दम पे रखूँगा। चलें अब सालन तैयार, ये देखें माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। सालन तैयार हो गया, अब इसमें मैं आधा टीस्पून गरम मसाला डाल देता हूँ और चूल्हा बंद कर देता हूँ। चलें अब डोंगे में निकाल के आपको दिखाता हूँ 2 मिनट बाद। चलें ये देखें मैंने डोंगे में निकाल लिया, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा बने, मज़ेदार। आप भी ट्राई करें मेरी रेसिपी से। चलें आज के लिए अल्लाह हाफिज़, कल एक नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह मिलेंगे। आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।